हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आज का ये वीडियो अपकमिंग UPCHO एग्जाम्स के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया है। होपफुली अपकमिंग CHO एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्राइएज सिस्टम ऑफ एमरजेंसी, येलो कलर कोड यूजिंग फॉर विच टाइप ऑफ केसेस? ट्राइएज सिस्टम में येलो कलर कोड किन केसेस को या पेशेंट्स को दिया जाता है? एमरजेंट केसेस, अर्जेंट केसेस, नॉन अर्जेंट केसेस या एक्सपेक्टेड टू डाइड पेशेंट? जब किसी जगह पर बड़े लेवल पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें अचानक से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और उस समय मेडिकल फैसिलिटी को प्रायोरिटी के बेसिस पर पेशेंट्स को केयर देनी होती है, जिन लोगों को सबसे पहले मेडिकल हेल्प देना जरूरी है उन सभी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी केसेस के रूप में ट्रीट करते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी में उन सभी केसेस को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें थोड़ा समय बाद भी अगर केयर दी जाए तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आए पेशेंट किस कलर कोड में दिए जाएंगे या सेकेंड प्रायोरिटी में आए पेशेंट किस कलर कोड में रखे जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इस पूरे टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी केसेस के। किसी जगह हुई दुर्घटना में जो लोग सबसे ज्यादा गंभीर हैं उन्हें हम फर्स्ट प्रायोरिटी केसेस के रूप में जानते हैं, और इन्हें ट्राई सिस्टम के अंदर रेड कलर कोड दिया जाता है और इन्हें ही आप एमरजेंट केसेस के रूप में जानते हैं। ये पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आएंगे इन्हें सबसे पहले केयर दी जाएगी। ट्राई सिस्टम के अंदर जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते हैं वहां पर सीनियर डॉक्टर्स क्विक असेसमेंट करके ये डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट किस प्रायोरिटी का है, इसे किस कलर कोड में भेजा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड प्रायोरिटी केसेस के। इन्हें हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी के जो सभी केसेस होते हैं उन्हें हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी केसेस दे आर डिनोटेड और सेंडेड टू द येलो जोन। इनमें सभी अर्जेंट केसेस को इंक्लूड किया जाता है। इसमें सभी अर्जेंट केसेस को इंक्लूड किया जाता है। इन्हें यदि थोड़े समय बाद या यूं कहें फर्स्ट प्रायोरिटी के केसेस को ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर केयर प्रोवाइड की जाए तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रायोरिटी के केसेस को। इन्हें हम ग्रीन कलर कोड से डिनोट कर सकते हैं। ग्रीन कलर कोड के जो ये पेशेंट होते हैं ये सभी नॉन अर्जेंट केसेस होते हैं। जनरली ये मूवमेंट कर सकते हैं, मूवेबल क्लाइंट्स होते हैं। इन्हें थोड़ा बहुत अगर फर्स्ट एड दे दिया जाए तो ये इस क्रिटिकल डिजास्टर में दूसरे लोगों की हेल्प करने लायक होते हैं। These are, they all are included into the green color. Finally, जो कलर आता है वो है ब्लैक कलर। दिस इज द लास्ट फोर्थ कलर ऑफ द ट्राइएज। इसके अंदर हम उन सभी पेशेंट्स को इंक्लूड करते हैं जिनकी डेथ होना लगभग निश्चित है या जिनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे पेशेंट जिन्हें कितना भी इलाज दे दिया जाए लेकिन उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसे पेशेंट को सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन देकर छोड़ दिया जाता है और उन्हें हम ब्लैक ट्राइएज एरिया में शिफ्ट कर देते हैं, और ये सभी डेथ के नियर होते हैं या ऑलमोस्ट डेथ कर गए होते हैं। अब इन चारों ट्राइएज कलर्स को जानने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। यहां पर ट्राइएज सिस्टम में येलो कलर में किस पेशेंट को रखा जाएगा? तो हम जानते हैं अर्जेंट सभी केसेस जो हैं येलो कलर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, एडम्स एप्पल का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटाइटिस या फिर हायोइड बोन? गिव योर आंसर्स। एडम्स एप्पल हमारे नेक के अंदर पाई जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि मेल्स के अंदर फीमेल की तुलना में प्रोमिनेंट होती है। गले के अंदर जो ये उभरा हुआ उभार आप जो महसूस करते हैं, उभार महसूस करते हैं, यही बेसिकली एडम्स एप्पल स्ट्रक्चर कहलाती है। और इसका जो निर्माण है वो आपके थायराइड कार्टिलेज से होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। एडम्स एप्पल जो है थायराइड कार्टिलेज से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो क्रिकॉइड कार्टिलेज वर्ड दिया गया है ये बेसिकली सिग्नेट रिंग कार्टिलेज से बना होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है उसका निर्माण सिग्नेट रिंग द्वारा होता है। नोट कर लीजिए आप चाहें तो इसको, सिग्नेट रिंग कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, एडम्स एप्पल, उसके अलावा बात करें तो एपिग्लोटाइटिस जो है इसे आप लिड कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। एपिग्लोटाइटिस को आप लिड कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। अगर एपिग्लोटाइटिस एरिया के अंदर सूजन आ जाए, एपिग्लोटिस में सूजन आ जाए, तो इससे जो एयरवे है वो ब्लॉक हो सकता है और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इसलिए जब कभी भी एपिग्लोटाइटिस होता है तो तुरंत पेशेंट को एयरवे मैनेजमेंट के लिए अलर्ट पर रखा जाता है। एपिग्लोटाइटिस, लेट कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसे किसे इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए मैसेज, मीडिया, चैनल, फीडबैक। ऑप्शन बी मैसेज, रिसीवर, सेंडर, चैनल। ऑप्शन सी सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ऑप्शन डी वर्बल, नॉन वर्बल, मैसेज, चैनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सही जवाब मानेंगे। हालांकि ऑप्शन बी के अंदर भी मैसेज, रिसीवर, चैनल, सेंडर सारे ही ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन इनका जो सीक्वेंस सही नहीं है इस कारण से हमने इसे सही नहीं माना। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस से ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स को जरूर आप याद करके जाइएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर वह पर्सन है जो कि मैसेज को सेंड करता है, मैसेज या अपनी भावना को सेंड करता है। उसके द्वारा जो मैसेज भेजा गया वो किसी चैनल या माध्यम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचता है। सेंडर द्वारा मैसेज को तैयार करना एनकोडिंग कहलाता है और रिसीवर के द्वारा इसे रिसीव करके समझना डीकोडिंग कहलाता है। फिर ये रिसीवर मैसेज को समझकर फीडबैक देता है जो कि वापस सेंडर तक पहुंचता है। ये पूरी चेन कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज नॉट गिविंग
his toys to another, this type of play is. एक बच्चा अपने खिलौने साथ खेल रहे बच्चे के साथ शेयर नहीं करता है, ये किस प्रकार का प्ले है? पैरेलल प्ले, ग्रुप प्ले, सोशल प्ले या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैरेलल प्ले ही ऐसा प्ले है जिसमें बच्चा दूसरे बच्चों के आसपास खेलता तो है लेकिन उनके साथ नहीं खेलता, उनसे इंटरेक्ट नहीं करता और अपने खिलौने अपने टॉयज उनके साथ शेयर नहीं करते। पैरेलल प्ले जनरली टॉडलर एज ग्रुप के बच्चों में देखने को मिलता है। प्ले से प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए इसके बारे में क्विकली एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लें। किसी भी बच्चे के सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, इंटेलेक्चुअल स्किल, पूरी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए प्ले इसेंशियल है, खेलना जरूरी है। टोटल 5 प्रकार से हम प्ले को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो इन्फेंट्स की, इन्फेंट का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 1 साल की है, 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे इन्फेंट्स कहलाते हैं और इनके अंदर सॉलिटरी ऑनलुकर प्ले या इसे आप सोशल अफेक्टिव प्ले के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चे अपनी एक्सट्रीमिटीज का मूवमेंट कराकर खुद से ही खेलते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑन लुकर्स प्ले। सेकंड आता है टॉडलर एज ग्रुप में देखे जाने वाला प्ले, जिसे आप पैरेलल प्ले या थेराप्यूटिक प्ले के नाम से जानते हैं। टॉडलर एज ग्रुप का मतलब हो गया 1 से 3 साल तक के बच्चे। थर्ड टाइप का प्ले होता है प्री स्कूल एज वाले बच्चों में, यानी कि 3 से 6 साल की उम्र के वाले बच्चे। इनके अंदर जो प्ले होता है उसे एसोसिएटिव एंड कोऑपरेटिव प्ले के नाम से जानते हैं। फिर आता है स्कूल एज चिल्ड्रंस, जनरली ये 6 साल से 12 साल के बच्चों को कहा जाता है। इनमें कॉम्पिटिटिव प्ले विथ रूल्स एंड रिचुअल्स, ये बच्चे कॉम्पिटिटिव प्ले करते हैं और इनमें रूल्स और रिचुअल्स मौजूद होते हैं। लास्ट आता है एडोलोसेंट, इसके अंदर हम 10 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को इंक्लूड करते हैं और इसमें जो गेम्स होते हैं एथलेटिक्स वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं और इस उम्र के बच्चे जो भी गेम खेलते हैं उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वो नियमों के साथ इस गेम को खेलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है ये कौन सी एज ग्रुप में कौन सा प्ले है और इसके क्या क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBSK? RBSK की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण। यस, आप सभी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था तो आप बताएंगे कि ये प्रोग्राम फरवरी 2013 से शुरू हुआ है और ये NRHM के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्लैम्पसिया एक्सेप्ट, एक्लैम्पसिया कंडीशन में कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती? एक्सेप्ट वर्ड को इग्नोर ना करें, जिस भी क्वेश्चन के पीछे ये लगा होता है ज्यादातर क्वेश्चन का मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फीवर, प्रोटीन्यूरिया, बीपी मोर देन 170/90 mm of Hg,
सीजर्स। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर दो प्रकार की कंडीशंस पाई जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है प्री एक्लेम्पसिया, और ये प्री एक्लेम्पसिया जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर एक्लेम्पसिया में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो एक्लेम्पसिया है इसमें आपको कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी इन चारों ऑप्शंस में से, ये बताना है। अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा यूरिन की मात्रा आने लग जाती है, तो ये कंडीशन प्रोटीन यूरिया है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट हो तो ये कंडीशन प्रोटीन यूरिया है। इस प्रोटीन यूरिया कंडीशन के साथ साथ वुमेन की बॉडी में यदि एडिमा हो जाए, सूजन हो जाए, और साथ ही वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, अगर ये तीनों कंडीशन किसी वुमेन में मौजूद हैं तो आप उसे कहेंगे कि आपको प्री एक्लेम्शिया कंडीशन हो चुकी है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ये कहती है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है, उसकी बॉडी पर सूजन है और यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस है, तो इसका मतलब इस क्लाइंट को प्री एक्लेम्शिया है। अब अचानक इस वुमेन को सीजर्स आने लग गए, या हो सकता है ये वुमेन कोमा में चली गई, तो इस सिचुएशन को अब आप प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया कहेंगे। एक्लेम्शिया वह कंडीशन है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर चार चीजें हो, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, सीजर और हाई ब्लड प्रेशर। इस सिचुएशन में आप अब अपने क्वेश्चन के आंसर पर आइए। यहाँ पर ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें प्रोटीन यूरिया होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, सीजर्स भी हैं, तो यानी ये तीनों चीजें एक्लेम्शिया को बताती हैं। क्या चीज एक्लेम्शिया में नहीं देखने को मिलती? तो ऑप्शन वन वो है फीवर। इसके साथ ही याद रखिएगा, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया कंडीशन में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए MgSO4 ड्रग दी जाती है, जिसे आप मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। ये वुमेन के अंदर सीजर्स की अक्रेंस को रोकती है। अगर इस वुमेन में MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ एंटीडोट फॉर MgSO4 टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन टू द गॉल ब्लैडर। अगर किसी क्लाइंट के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कॉलेडो कॉलेलिथियासिस, कॉलेलिथियासिस, कैल्क्युलाई या कॉलेसिस्टाइटिस? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिसे समझकर आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन डी में बताई गई टर्म कॉलेसिस्टाइटिस की। सबसे पहली टर्म है हमारी कॉलेसिस्टाइटिस। कॉलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है कि अगर किसी क्लाइंट के गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी क्लाइंट के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो ये कंडीशन कॉलेसिस्टाइटिस कहलाती है। हमारे लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल को गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर रखता है, और इस गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन का होना कॉलेसिस्टाइटिस कंडीशन कहलाती है। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है कैल्कुलाई। कैल्कुलाई का सिंपल मीनिंग है स्टोन।
यानी कि हिंदी में अगर आप कहें तो इसका मतलब है पथरी। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी का मतलब है कोले लिथियासिस, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर किसी क्लाइंट के गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो ये कंडीशन कोले लिथियासिस कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए इज रिमेनिंग कोलेडो कोले लिथियासिस। क्या है ये? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन गॉल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। अगर किसी क्लाइंट के कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन की प्रेजेंस हो तो ये कोलेडो कोले लिथियासिस कहलाती है। कोलेडो कोले लिथियासिस, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। इस डायग्राम में यहाँ पर ये जो ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लीवर की है। इस लीवर से यहाँ पर ये जो पाइप निकल रहा है, डक्ट निकल रही है, इसे आप राइट हिपेटिक डक्ट कहते हैं, और ये जो डक्ट है ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है। यहाँ पर ये आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर खूब सारा बाइल स्टोर रहता है, ये फैट को इमल्सिफाई करवाता है। ये गॉल ब्लैडर इन दोनों डक्ट से इस जगह पर आकर जुड़ता है, और ये सारी डक्ट्स यहाँ से जब मिलकर आगे की तरफ बढ़ती हैं, पैंक्रियाज में जाती हैं, तो इसे हम कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर यहाँ पर कहीं अगर स्टोन हो जाए, पथरी बन जाए, तो ये कंडीशन ही है जो कोलेडो कोले लिथियासिस कहलाती है। यही कंडीशन ऑप्शन ए में बताई गई थी, यही कंडीशन कोलेडो कोले लिथियासिस के नाम से जानी जाती है। यहां से ये ट्यूब आगे जाकर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम आदि से जाकर जुड़ती है। होपफुली अब आप इस डायग्राम को समझ गए हैं और भूलेंगे नहीं कि एग्जैक्टली कॉमन बाइल डक्ट कहां से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। व्हूपिंग कफ किसके द्वारा होने वाला डिजीज है? ऑप्शन ए नॉन स्पेसिफिक वायरल इंफेक्शन, ऑप्शन बी पर्टुसिस बेसिलस, ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पर्टुसिस बेसिलस। पर्टुसिस बेसिलस के द्वारा कॉज करने वाला डिजीज है व्हूपिंग कफ। नेक्स्ट, यहां पर अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बताएंगे इट इज इन नीदरलैंड हैगू। नीदरलैंड हैगू, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे यदि पूछा जाए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। अगर ICN का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो ये न्यूयॉर्क US में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे गोइटर गेंगा रोग हो सकता है। एक्चुअल में आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्लैंड है, आपकी गर्दन में पाई जाने वाली बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड है,
उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, यही कंडीशन गोइटर है। ऑप्शन बी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म जो बताया गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायरॉयड हार्मोन की कमी होना। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायरॉयड हार्मोन की कमी होना। और ऑप्शन बी के अंदर बताया गया है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि थायरॉयड हार्मोन के नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीशन होने पर देखे जाने वाली कंडीशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल विटामिन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फैट सॉल्यूबल विटामिन नहीं है? विटामिन डी, के, सी, ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विटामिन सी फैट सॉल्यूबल विटामिन नहीं कहा जाता। विटामिन को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी आती है उसे हम वाटर सॉल्यूबल कहते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन बी आते हैं, विटामिन बी ऑल टाइप्स। और इसके अलावा विटामिन सी को भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन को रेगुलरली हमें डाइट के थ्रू लेना आवश्यक है, बिकॉज ये वाटर में सॉल्यूबल होने के कारण बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते और लगातार यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। सेकेंड टाइप के जो विटामिन होते हैं उसे हम फैट सॉल्यूबल विटामिन के नाम से जानते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन। इसके अंदर चार प्रकार के विटामिन आते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अपगार स्कोर फर्स्ट पैरामीटर यूज्ड। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में फर्स्ट प्रायोरिटी में किस पैरामीटर को रखा जाता है? रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस या एक्टिविटी? अपगार स्कोरिंग सिस्टम को वर्जीनिया अपगार द्वारा दिया गया था। इस स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा हम किसी भी न्यूबॉर्न बेबी की जन्म के समय कैसी कंडीशन है इस चीज का असेसमेंट करते हैं। अपगार स्कोर 1 मिनट और 5 मिनट की उम्र पर परफॉर्म किया जाता है। अपगार में जो पहला ए है, इसका मतलब होता है बच्चे की अपीरियंस, यानी बच्चा देखने में कैसा है, बच्चे की बॉडी कहीं नीली तो नहीं, साइनोसिस तो नहीं है बच्चे की बॉडी पर, इस चीज का असेसमेंट हम इस फाइंडिंग के द्वारा डिसाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, पी जिसे पल्स कहा जाता है। इसमें बच्चे की हार्ट रेट का असेसमेंट किया जाता है कि पल्स कितनी चल रही है। थर्ड ऑप्शन आता है ग्रीमेंस, यानी कि बच्चे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कैसा उसे स्टिमुलेट करने पर वो क्राई कर रहा है या स्टिल है, इस चीज का असेसमेंट किया जाता है। और फिर सेकंड ए जो यहाँ आता है, इसका मतलब होता है एक्टिविटी, या इसे आप मसल टोन कह सकते हैं, बच्चे के हाथ पांव फ्लेक्स्ड है, फिक्स्ड है या उनमें लगातार मूवमेंट हो रही है, इस चीज का असेसमेंट किया जाता है। लास्ट में आता है आर, आर फॉर रेस्पिरेशन। अब इन पांचों ऑप्शंस को देखकर आप ये सेलेक्ट करें कि अपगार स्कोरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अबगार स्कोरिंग सिस्टम में हम हमेशा प्रायोरिटी जो है वो हार्ट रेट को देते हैं, पल्स को देते हैं। पल्स जो है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रहती है। यहां पर रेस्पिरेशन जो है सेकंड प्रायोरिटी पर रहती है। रेस्पिरेशन को सेकंड प्रायोरिटी पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज में जन्म के तुरंत बाद रेस्पिरेशन एबनॉर्मल होता है और इरेग्युलर होता है, इसलिए इसका असेसमेंट सही नहीं माना जाता और इसी कारण पल्स रेट को रेस्पिरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ऑप्शन बी हार्ट रेट इज करेक्ट हियर। अबगार स्कोरिंग सिस्टम के अंदर अगर पूरे स्कोर की बात की जाए तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10 हो सकता है। अगर बच्चे का स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो हमें तुरंत रिससिटेशन प्रोसेस शुरू करना है, CPR आदि, ऑक्सीजन आदि शुरू करना है। अगर 4 से 6 के बीच में है तो जो चीज़ें इसेंशियल हैं वो मीजरमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, और अगर 7 से 10 के बीच हैं तो इसका मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक है, डेली रूटीन की जो केयर्स हैं बर्थ के बाद उसे ही हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पॉस्टूल इन द एरिया ऑफ आई लैश फॉलिकल इज कॉल्ड। अगर किसी क्लाइंट की आंखों की पलकों पर छोटा सा पॉस्टूल हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? कंजक्टिवाइटिस, पिटोसिस, स्टाइल या फिर ग्लूकोमा। यहां पर ऑप्शन 1 में कंजक्टिवाइटिस बताया गया है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। आंखों की कंजक्टिवा पर यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन कंजक्टिवा कहलाती है। पिटोसिस क्या मतलब होता है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। यदि किसी पर्सन में बिना उसकी इच्छा के आंखों की पलकें नीचे गिर जाएं, यानी आंखें बंद हो जाएं और वो चाहकर भी वापस पलकों को ऊपर उठा नहीं पाए, आंखों को खोल नहीं पाए, तो ये कंडीशन पिटोसिस या ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स कहलाता है। ये जनरली आपको माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के अंदर इनिशियल सिम्टम्स के रूप में, शुरुआती लक्षणों के रूप में देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट नहीं हो पाती। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोमा डिजीज की। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आंखों का प्रेशर जो है वो 8 से 21 mm ऑफ HG के बीच जब तक है, तब तक ये नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर किसी क्लाइंट में 21 mm ऑफ HG से ये प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये कंडीशन ग्लूकोमा के नाम से जानी जाती है। आँख में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण लगातार दबाव या प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है, ये कंडीशन ग्लूकोमा है। और अगर इसका समय पर इलाज नहीं लिया जाए तो इससे पर्सन में ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा ग्लूकोमा डिजीज के अंदर टनल विजन देखने को मिलता है। अब फाइनली ऑप्शन सी ही बचता है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सही जवाब है। इसे हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। अगर आंखों की पलकों पर कोई छोटी सी पॉस्चुरल फॉर्मेशन हो जाए, फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाए, तो ये कंडीशन स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल बाईपैराइटल डायमीटर मेजरमेंट ऑफ फुल टर्म फीटल हेड इज। किसी फुल टर्म बर्थ लिए हुए न्यूबॉर्न बेबी में बाईपैराइटल डायमीटर कितना होता है?
दो पेराइटल बोन के बीच की जो दूरी है उसे आप बाई पेराइटल डायमीटर कहते हैं, ये कितनी होती है ये आपको बताना है। मान लीजिए ये बच्चे का सर है, बच्चे के सर के अंदर लेटरल साइड के अंदर जो ये बोन्स पाई जाती हैं इसे आप पेराइटल बोन के नाम से जानते हैं, दिस इज द पेराइटल बोन। ये एक पेराइटल बोन हो गई, ये दूसरी पेराइटल बोन हो गई। पीछे आपका ऑक्सीपिटल है, आगे फ्रंटल है, यहां पर टेम्पोरल है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, दो पेराइटल बोन्स के बीच की जो डिस्टेंस है न्यूबॉर्न बेबीज में वो 9.5 सेंटीमीटर्स होती है, बाई पेराइटल 9.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स डिजीज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ, वेल्स डिजीज जिसे आप लेप्टोस्पायरोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये किसके कॉन्टैक्ट से फैलता है? मंकी, रैट, पपीज, काउ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रैट्स। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लें, इंपॉर्टेंट है। ये जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज है जिसे आप वेल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये डिजीज बेसिकली बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक डिजीज है जो कि एनिमल के यूरिन से कांटेक्ट आने पर फैलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रैट है, चूहा है, और इसके यूरिन में कोई अनइफेक्टेड पर्सन आता है तो उसे भी ये डिजीज होने की संभावना रहती है। वेल्स डिजीज या लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? पेशेंट के अंदर हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, मसल पेन रहेगा, चिल्स होगा यानी ठंड लगेगी, कपकपाहट होगी, आईज रेड हो जाएंगी, वॉमिटिंग होगी, ये सभी सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये डिजीज आगे चलकर पेशेंट के लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है और इवन डेथ तक हो सकती है। ये जैसा कि हमने शुरू में बताया कि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम इस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ फिब्रीन क्लॉट विच फिब्रीन नेटवर्क रिड्यूसेस द साइज ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल इन द वे टू द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड इज नोन एज। देखिएगा इस चीज को हम पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर जानेंगे। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की ब्लड वेसल है और इस क्लाइंट की इस ब्लड वेसल पे अचानक मान लीजिए इस हिस्से पे कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, जिसके कारण यहाँ से अब लगातार ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। अब इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्या होगा? हमारी बॉडी की जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं जो कि जैसे कि प्लेटलेट, वो सभी पहुँचेंगी और अपना अपना प्रोसेस शुरू करके यहाँ पर एक नेटवर्क बनाएंगी और इससे ब्लीडिंग रुकने की शुरुआत होगी। अब मान लीजिए इसी प्रोसेस के अंदर यहाँ पर फिब्रीन भी पहुँचा, फिब्रीन नामक स्ट्रक्चर भी यहाँ पहुँची और फिब्रीन नामक स्ट्रक्चर यहाँ पहुँचकर लगातार क्लॉट्स बनाने लगती है और इस क्लॉट की वजह से एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की सॉरी ब्लड की जो स्मॉल सेल्स हैं आरबीसी आदि फंस कर
रुकने लगती हैं और इस नेटवर्क का बाद में श्रिंकेज देखने को मिलता है, जिससे कि ये जो घाव है कहीं ना कहीं साइज में थोड़ा रिड्यूस लगता है और ब्लड का जो लॉस है धीरे धीरे कम होने लगता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे ये आपको सेलेक्ट करके बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए साइनरेसिस, ऑप्शन बी फिब्रिनोलाइसिस, ऑप्शन सी साइना एथ्रोसिस और ऑप्शन डी फाइब्रोसाइटोसिस। यस एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एक बार फिर से समराइज वे में इस चीज को समझ लेते हैं। जब भी हमारे शरीर के किसी पार्ट पर कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहां पर ब्लड लॉस होने लगता है, खून बहने लगता है। इस खून को बहने से रोकने के लिए वहां पर फिब्रीन क्लॉट फॉर्मेशन होता है। फिब्रीन वहां पर पहुंचकर एक नेटवर्क, एक जाली, एक जाल बनाता है जिसमें ब्लड की सेल्स फंसने लगती हैं और फिर ब्लड फ्लो का जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो कहीं ना कहीं धीमे होता है या रुक जाता है। यही प्रोसेस साइनरेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फीटल हर्ट साउंड इज, किसी अनबॉर्न बच्चे में हार्ट रेट कितनी होती है, कितने बीट्स पर मिनट होती है, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जब बच्चा मां के वूम्ब में होता है, गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है, तो उस समय बच्चे की जो हार्ट रेट है वो लगभग 120 से 160 बीट्स पर मिनट के आसपास होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पिस जॉस्टर इज अ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय, हर्पिस जॉस्टर किसके कारण होने वाला डिजीज है? ब्लड डिसऑर्डर है, वायरल इन्फेक्शन है, नर्व डिसऑर्डर है या अनहाइजेनिक स्किन कंडीशंस के कारण होने वाला डिसऑर्डर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वायरल इन्फेक्शन। हर्पिस जॉस्टर की बात की जाए तो हर्पिस जोस्टर बेसिकली सिंगल्स के नाम से जाना जाता है। हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन को हम सिंगल्स के नाम से जानते हैं और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस का वेट कितना होता है? यस आप सभी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी 60 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। यूट्रस की वेट की यदि बात की जाए तो एट टर्म प्रेगनेंसी यानी कि लगभग 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के आसपास यूट्रस का जो वजन है 1000 ग्राम के आसपास हो जाता है। 1000 ग्राम कह दीजिए या इसे आप 1 केजी कह सकते हैं। वहीं अगर यूट्रस का वजन किसी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में पूछा जाए तो, ऐसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट नहीं है उसमें पूछा जाए तो लगभग 60 ग्राम के आसपास होता है। 60 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स अ कंटेजियस स्किन डिजीज इन ह्यूमन इज, सिंपली आपको यहां पर चिकन पॉक्स का कारण कौन सा कॉज है, कारण क्या है, यह आपको बताना है। ह्यूमन बोका वायरस,
वेरिसेला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस या फिर साइटोमिगेलो वायरस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बार इन्फेक्शन करने के बाद दोबारा ये वायरस एक्टिवेट होता है तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड हर्पेस जोस्टर सिंगल्स। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसके बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कम्युनिटी डिनोट इन कम्युनिटी हेल्थ इज। कम्युनिटी हेल्थ के अंदर कम्युनिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पीपल असाइंड फॉर सम केयर, ऑप्शन बी पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट ऑफ देयर लाइव्स, ऑप्शन सी पीपल ऑफ स्मॉल रीजन, ऑप्शन डी पीपल फ्रॉम सेम रिलीजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी निश्चित एरिया में रहने वाले लोग जो आपस में किसी ना किसी पर्पस से रिलेटेड हो, निर्भर हो, कम्युनिटी कहलाता है। उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ के अंदर कम्युनिटी का मतलब है लोग जो अपनी किसी विशेषता को सभी के साथ शेयर करते हैं, ये ही कम्युनिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर आर द साइन ऑफ। अगर किसी क्लाइंट में पल्स रेट रैपिड है, इरेगुलर है और हार्ट मर्मर प्रेजेंट है, यानी हार्ट से एबनॉर्मल साउंड्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये किस डिजीज कंडीशन को बताते हैं? इट इज एक्यूट रूमेटिक फीवर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्यूट रूमेटिक फीवर। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के गले में इन्फेक्शन हुआ, उसे स्कारलेट फीवर हुआ और इस पर्सन ने इस गले के इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और यहाँ से इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया पर्सन के हर्ट तक पहुँच गया और वहाँ जाकर हर्ट की एबनॉर्मलिटी कॉज कर दी, हर्ट मसल्स में इन्फ्लामेशन कर दी, तो ये कंडीशन एक्यूट रूमेटिक फीवर कहलाती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर होने पर इरेगुलर पल्स, रैपिड पल्स और हर्ट मर्मर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर ब्लॉक्स फ्रॉम द सन। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। अब सूरज के द्वारा लगातार पृथ्वी तक अपनी विकिरणें कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं, वो भेजी जा रही हैं। इन रेस के अंदर कुछ हमारे लिए हार्मफुल रेस भी होती हैं। इस लेयर को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए नेचर के द्वारा एक लेयर बनाई गई है, इसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। सूरज और पृथ्वी के बीच में एक ओजोन लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जो हमें सूरज से आने वाली कुछ हानिकारक विकिरणों से बचाती है
अब ये विकिरण कौन से हैं ये आपको बताना है। ये सनलाइट से बचाती है, यूवी लाइट से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, इंफ्रा रेड रेडिएशन से बचाती है, या फिर अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड दोनों टाइप के रेडिएशन से बचाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ओजोन लेयर है हमें वो अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, यूवी रेस, इसे आप अल्ट्रा वायलेट रेस के नाम से भी जानते हैं। ये रेस अगर ओजोन लेयर ना हो तो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी और इससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन कैंसर आदि हो सकते हैं। जब तक हमारे एनवायरनमेंट में ये ओजोन लेयर मौजूद है हमें इन हानिकारक यूवी रेडिएशन से बचत मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। अगर किसी क्लाइंट में आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा रहे हैं तो पेशेंट को आप किस पोजीशन में रहने के लिए कहेंगे, सुपाइन, लो फॉवलर, हाई फॉवलर, सेमी फॉवलर। द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, इट इज हाई फॉवलर्स पोजीशन। यहां पर लो फॉवलर पोजीशन, पहले तो बात करते हैं कि फॉवलर्स पोजीशन क्या है। अगर किसी भी पेशेंट को आप उसकी बैक पार्ट को सपोर्ट देकर कुछ इस पोजीशन में बिठा देते हैं तो ये कंडीशन फॉवलर्स पोजीशन कहलाती है। अगर आप उसे लो फॉवलर पोजीशन देते हैं तो क्लाइंट जो है 30 डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पर उसका अपर बॉडी मुड़ा हुआ है, और अगर हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट जो है लगभग 90 डिग्री के हाइट पर होता है, 60-90 डिग्री एंगल के हाइट पर होता है। और सेमी फॉवलर पोजीशन जो है उसमें क्लाइंट को हम 45-60 डिग्री के एंगल पर बिठाते हैं। इस तरह से ये पोजीशन डिसाइड की जाती है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब उन क्लाइंट्स में लगाई जाती है जो कि ओरल रूट से फीडिंग नहीं ले सकते। मान लीजिए किसी क्लाइंट में ओरल कैंसर है या माउथ की कोई सर्जरी हुई है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, इन सभी पेशेंट में हम नोज से प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जो डायरेक्ट पेशेंट के स्टमक तक जाती है, और इस ट्यूब के थ्रू हम फीडिंग को डायरेक्ट पेशेंट के स्टमक में डालते हैं, पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट डेवलप साइनोसिस अर्ली ड्यूरिंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर, मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स इज टू। अगर किसी बच्चे में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हों और सीजर की शुरुआत से ही बच्चे में साइनोसिस कंडीशन डेवलप हो जाए तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आप इस पेशेंट में ओरल एयरवे इंसर्ट कर देंगे। ऑप्शन बी, इस बच्चे में मास्क लगाकर ऑक्सीजन देंगे। ऑप्शन सी, उसके माउथ में पैडेड टंग ब्लेड डाल देंगे ताकि टंग बाइट ना हो। ऑप्शन डी, पेशेंट को बिना कुछ किए ऑब्जर्व करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब तक सीजर्स आ रहे हैं तब तक आप कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं तो जब तक उसे सीजर्स आ रहे हैं उसे आप कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे,
बस सीजर एक्टिविटी के दौरान आप ये इंश्योर करें कि उसे और ज़्यादा आसपास रखी किसी चीज़ से चोट ना पहुँचे। सीजर्स किस प्रकार के हैं, कब से शुरू हुए, कैसी मूवमेंट हो रही है, ये सभी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे ही सीजर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसमें सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन OTA। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन वन, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिड्यूअल। ऑप्शन बी, पीएच ऑफ वाटर। ऑप्शन सी, टर्बिडिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट यानी OTA टेस्ट होता क्या है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम वाटर को प्योर करने के लिए, वाटर को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। वाटर को प्योर करने के लिए हम उसमें क्लोरीन मिलाते हैं और ये क्लोरीन पानी में कितना है इस चीज को मापने के लिए ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट परमिट्स द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ टोटल रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री अवेलेबल क्लोरीन एंड कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन आफ्टर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। पानी को प्योर करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए आपने उसमें क्लोरीन मिलाया। अब क्लोरीन जो पानी में डाला गया है क्या वो पूरे पानी को डिसइंफेक्ट कर पाया है, या जरूरत से कम क्लोरीन डाला गया, या जरूरत से ज़्यादा क्लोरीन डाला गया, इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए हम ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर कि अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल, इसे पता करने के लिए ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट करवाया जा सकता है। क्लोरीनेशन के बाद कितना फ्री क्लोरीन वाटर में अवेलेबल है, इसे पता करने के लिए OTA टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट इज द रिस्क फॉर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी। एरिक एरिक्सन ने जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसके अनुसार ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये किस स्टेज में देखने को मिलते हैं, टॉडलर, प्री स्कूल, एडल्ट या एडोलेसेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टॉडलर एज ग्रुप के बच्चों में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलते हैं। आइए एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई इस थ्योरी के सभी स्टेजेस को वन बाय वन डिस्क्राइब करें, जान लें। एरिक एरिक्सन साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आप बताएंगे एरिक्सन द्वारा। यहां पर 18 महीने तक की उम्र के बच्चों के अंदर साइकोसोशियल क्राइसिस या टास्क जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के रूप में जाना जाता है।
यहां पर अगर आपको ये टेबल विजिबल नहीं है तो मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर हम बात करते हैं जब बच्चा 18 महीने से 3 साल की उम्र में होता है, 18 मंथ्स टू 3 इयर्स के बीच होता है, तो वहां पर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये देखने को मिलता है। उसके बाद जब बच्चे की उम्र 3 से 5 इयर्स की होती है तो इस सिचुएशन के अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब बच्चा 5 से 13 साल की उम्र का होता है तो वहां पर उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी देखने को मिलता है। जब बच्चा 13 से 21 ईयर का होता है तो उसके अंदर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन देखने को मिलता है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब उम्र 21 से 39 इयर्स की है, यहां पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इन सभी स्टेजेस की ज्यादा डिटेल्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, इनके नाम और किस एज में कौन सी स्टेज है बस ये आपको याद करना है। ज्यादातर यही चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो 40 से 65 ईयर की एज के अंदर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन ये देखने को मिलता है, और 65 साल से ज्यादा उम्र यदि है तो वहां पर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये देखने को मिलता है। ये सभी स्टेजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार, एरिक्सन द्वारा ये दी गई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इन्फेंसी से लेकर 18 महीने के बीच में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 18 महीने से लेकर 3 साल की उम्र तक ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, 3 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 5 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, 13 साल से 21 के साल के बीच में आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, 21 साल से 39 साल के बीच में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 40 साल से 65 साल के बीच में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और 65 साल से अधिक उम्र होने पर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड ऑफ डिजीज कॉजेशन रेफर्स टू, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज कॉजेशन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही सोच समझ के अपना ऑप्शन चुनिएगा, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, टाइम, प्लेस, पर्सन, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टिबल होस्ट, जॉन शो, रॉबर्ट कोच, केनेथ रॉथमैन। The right answer is option 1, agent, host and environment, ये तीनों ही epidemiological triad में include किए जाते हैं, agent, host, environment. Next question, SODIS
मेथड फॉर डिसइंफेक्शन विथ SODIS सोडिस मेथड में किस से डिसइंफेक्शन किया जाता है? केमिकल, सन एनर्जी, रेडिएशन या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे सोडीज एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। SODIS इसका फुल फॉर्म है सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, सोलर वाटर डिसइंफेक्शन इज अ सिंपल मेथड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय यूजिंग सनलाइट टू इनएक्टिवेट पैथोजेंस कॉजिंग डायरिया। सोडीज यानी सोलर वाटर डिसइंफेक्शन यह वह मेथड है जिसके द्वारा हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए पानी में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं, पानी को पीने योग्य बनाते हैं। अब आप यहां पर बताइएगा कि सोडीज जो मेथड है उसमें डिसइंफेक्शन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली आप सभी अब आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। सोडीज प्रोसेस के अंदर, सोलर डिसइंफेक्शन प्रोसेस के अंदर हम सन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इज। आपको किसी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से सफरिंग बच्चे में मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसे बताना है। एक बच्चा जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से ग्रसित है उसका इम्पॉर्टेंट लक्षण, बिहेवियर में पाया जाने वाला इम्पॉर्टेंट लक्षण कौन सा होगा इसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए ओवर रिएक्शन टू स्टिम्यूलाई, ऑप्शन बी कंटिन्यूड यूज ऑफ रिचुअल्स, ऑप्शन सी रिटार्डेड स्पीच डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इनएबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओवर रिएक्शन टू स्टिम्यूलाई। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से सफरिंग बच्चे एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, ये अपने आप को स्टिल नहीं रख पाते, ये लगातार दौड़ते भागते रहते हैं, इनका एक जगह पर रुक पाना लगभग नामुमकिन होता है और इनके ब्रेन के अंदर लगातार थॉट्स आते रहते हैं, ये सभी फाइंडिंग्स इनमें देखने को मिलती है। अगर इन बच्चों में मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक यदि आपसे पूछा जाए तो ये किसी भी स्टिमुलाई के लिए ओवर रिएक्शन देते हैं। कोई भी स्टिमुलाई आया, उन्हें उस स्टिमुलाई को इन्होंने परसीव किया, नॉर्मल बच्चों के द्वारा इस स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, ये बच्चे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से सफरिंग बच्चे उस स्टिमुलाई को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स देते हैं, ओवर रिएक्शन शो करते हैं और ये उनका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कोर्साकॉफ साइकोसिस किसकी कमी के कारण होने वाला डिसऑर्डर है, डिजीज है? विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी ट्वेल्व। द राइट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिशिएंसी के कारण वर्निक्स एंसिफेलोपैथी
कॉर्साकॉफ साइकोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, विटामिन B1 या थायमिन की कमी होने पर वर्निक्स एंसिफेलोपैथी एंड कॉर्साकॉफ साइकोसिस जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज अबाउट। प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितना वेट गेन होता है? 6 kg, 8 kg, 11 kg या 14 kg? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 kg। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें, भारत की बात करें, तो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन 11 से 12 kg वेट गेन करती है। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज अराउंड 11 to 12 kg, जिसमें से यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, तो आप बताएंगे लगभग 1 kg। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 0 से 12 वीक तक की प्रेगनेंसी। अगर आपसे पूछ ले कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, तो आप बताएंगे इट इज 5 kg। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 वीक से लेकर 28 वीक के बीच होता है। फिर आता है फाइनली थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर जो जो है उसमें भी 5 kg के आसपास वेट गेन देखा जाता है, और ये भी 29 वीक से शुरू होकर टिल डिलीवरी तक होता है। इस प्रकार से ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल सॉइल्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटेमिनेट मिनेंट्स। अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में नॉर्मल सॉइल है, नॉर्मल मिट्टी है, और इस स्थान पर जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, जहां पर गंदगी है, उससे वेल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कुएं की दूरी कितनी होनी चाहिए, यह आपको बताना है। शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर्स, नेवर बी लेस देन 10 मीटर्स, नेवर मोर देन 15 मीटर्स, नेवर मोर देन 10 मीटर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, इट इज शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर्स। अगर किसी जगह पर नॉर्मल सॉइल है, अगर किसी जगह पर नॉर्मल सॉइल है, तो वहाँ पर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन से लेकर वेल की जो डिस्टेंस है, मिनिमम 15 मीटर्स होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं। और यदि आपसे पूछ ली जाए कि कितनी डिस्टेंस यहाँ रेकमेंड की जाएगी, तो आप कहेंगे 30 से 50 मीटर्स, कम से कम 30 से 50 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन से लेकर वेल के बीच में, जिस जगह पर नॉर्मल सॉइल मौजूद है। ऑप्शन वन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन इज एलिवेटेड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। MSAFP का लेवल सभी कंडीशंस में बढ़ा हुआ मिलता है किसी एक को छोड़कर। उस कंडीशन का आपको नाम बताना है जिसमें मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन नहीं बढ़ता।
इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन बच्चों में यॉर्क सेल्क और फीटल लीवर द्वारा सिक्रीट किया जाता है। यॉर्क सेल्क एंड फीटल लीवर के द्वारा MSAFP का प्रोडक्शन किया जाता है। किन कंडीशंस में इसका हाई लेवल देखने को मिलता है? अगर किसी बच्चे में ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, IUFD है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, रीनल एबनॉर्मेलिटीज हैं, RH आइसो इम्यूनाइजेशन है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर जो लेवल है आपको हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज्ड मिलेगा। वहीं किन कंडीशंस के अंदर MSAFP का लेवल आपको घटा हुआ मिलेगा, अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे। ट्राइसोमी डिजीज, ट्राइसोमी 21, जिसे आप डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, गैस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीजेस, इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर MSAFP का लेवल घटा हुआ मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। यस एग्जैक्टली, जो ट्राइसोमी डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, उसके अंदर मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन का लेवल नॉर्मल से कम मिलेगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आज के ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बेस्ट ऑफ लक।